जनरली यूपीएससी के बाद प्लान बी स्टेट पीएससीज को देखा जाता था और लोग ये सोचते थे कि 2-3 महीने दो और स्टेट पीएससी निकल जाएगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द शेयर कॉम्पिटिशन आप स्टेट पीएससीज को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते हैं। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए स्लीपी क्लासेज आईएएस स्टेट पीएससी स्पेसिफिक कोर्सेज लेके आ रहे हैं। हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उड़ीसा पीएससी निकाला है, यूपी पीएससी निकाला है, जेके पीएससी निकाला है और ये नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप इन टॉपर्स का पार्ट बने, इन टॉपर्स में से एक बने, तो जुड़े स्लीपी क्लासेस आईएएस के साथ। हाय एवरीवन, मेरा नाम कौशल्या है। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है आरएएस 2021 एग्जाम का। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 2018 में दिया था राइट आफ्टर कॉलेज। मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मोदी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लक्ष्मणगढ़ से। और इस एग्ज़ाम में मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी मेंस स्पेसिफिक, क्योंकि 1.5 से 2 महीनों बाद मेंस का एग्ज़ाम है आरएएस मेंस का 27 और 28 जनवरी को। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में कैसे इफेक्टिवली हेल्प कर पाऊँ। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मेंस में 379.5 मार्क्स स्कोर किए थे और मुझे उसमें इम्प्रूव करके रैंक इम्प्रूव करनी थी। तो मैंने कुछ सेक्शंस पे पर्टिकुलरली फोकस किया था। दोबारा से मैंने एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसको डिटेल्ड मैंने उसको एनालाइज़ किया। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सिंपली नोट्स उठाए और उनको पढ़ना शुरू कर दिया था, तो मेरे कुछ टॉपिक्स है वो स्किप हो गए थे, तो उसकी वजह से मेंस में थोड़े मार्क्स कम रहे तो रैंक पीछे रही। तो सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने इस बात पे स्पेशल फोकस किया कि मैं जो सिलेबस है उसके हर कीवर्ड को देखते हुए प्रिपेयर करूँगी। तो स्पेशली पहले मैं अगर पेपर वन को डिटेल में डिस्कस करूँ तो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए हिस्ट्री, पार्ट बी इकोनॉमिक्स एंड पार्ट सी में 3 छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं, सोशोलॉजी, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। पार्ट ए में जो हिस्ट्री है वो थोड़ा लेंथी टॉपिक होता है, तो आपको उसको लिमिटेड टाइम देना है। ये नहीं है कि हिस्ट्री को पूरा आप इतने डिटेल में कर रहे हो कि जो पेपर वन के दूसरे पोर्शंस हैं उनसे ध्यान हटे। जैसे इकोनॉमिक्स है उसका सिलेबस लिमिटेड है और मार्क्स का जो वेटेज है वो लगभग सेम है हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को, तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना है चाहे आप पेपर की तैयारी कर रहे हो या चाहे पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो उस दिन, कि आपको तीनों में जो टाइम है वो डेडिकेटेडली सिमिलर अमाउंट ऑफ टाइम डेडिकेट करना है, क्योंकि सिमिलर अमाउंट ऑफ मार्क्स एलोकेटेड इन सेक्शंस को। और जिस दिन आप पेपर अटेम्प्ट भी कर रहे हो उस दिन भी तीनों को एक एक घंटा ही देना है। जैसे ये गलती होती है कि हिस्ट्री को पहले पढ़ के भी ज़्यादा जाते हैं फिर उसको अटेम्प्ट करने में टाइम ज़्यादा लेते हैं, जो दूसरे सेक्शंस हैं वो इग्नोर होते हैं, तो कुछ बच्चों के पेपर छूटने की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो इसको अवॉइड करने के लिए एक एक घंटा डेडिकेट करें। तो हिस्ट्री में जो राजस्थान हिस्ट्री है उसको करें। उसके लिए मैं कहूँगी जो आरबीएसई बोर्ड की बुक्स है वो बेस्ट सोर्स है। सेकेंडली आप वर्ल्ड हिस्ट्री है उसके लिए एनसीईआरटी की क्लास 10th की बुक है अर्जुन देव की, और या फिर जो आरबीएससी में भी वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सेक्शन कवर्ड है आप वहाँ से टॉपिक वाइज उठा के करें। जैसे आप सिलेबस को एनालाइज करें, जो भी कीवर्ड है उस कीवर्ड को देखते हो आप एक ही सोर्स को रेफर करें और उसी से उस टॉपिक को कंप्लीट करें। और जो इंडियन हिस्ट्री है उसके लिए भी एनसीईआरटी और आरबीएससी बुक्स है वो सफिशेंट है। सोर्सेज है उनको सिंगल सोर्स रखें, मल्टीपल सोर्सेज के पीछे ना भागे। जैसे मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि हिस्ट्री एक बहुत ही लेंदी पोर्शन है, तो उसको करने के लिए मैंने आरबीएससी और इनसे जो एनसीईआरटी बुक्स है उनको रेफर कर लिया। उसके आगे भी कभी कभार लगता है कि कुछ क्वेश्चंस है वो फिल इन नहीं हो पा रहे, तो उसका तरीका मेरे लिए ये था कि जैसे मैंने सम्यक कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो मैं उन टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चंस थे उनको देखती थी कि उनमें कोई न्यू टॉपिक एड्रेस हो रहा है या किसी क्वेश्चन को आंसर करने के न्यू डिमेंशंस है, तो मैं अपने जो बुक स्टडी सोर्सेज थे उनको वहाँ से फिल इन कर लेती थी। तो आप भी यही करें कि एक ही सोर्स रखे पढ़ने का और उसको जो टेस्ट सीरीज होती है उसकी हेल्प से फिल इन करें, और हो सके तो टॉपिक वाइज अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करें, क्योंकि जो ये सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं इनमें रिविजन इज द सॉल्वेशन। तो रिविजन करने का इफेक्टिव तरीका यही है कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स हो टॉपिक वाइज। कई बार क्या होता है कि जैसे अभी 27-28 जनवरी को एग्जाम है तो टाइम क्रंच है, तो उसका एक तरीका ये भी है कि आपके पास जो भी नोट्स हैं उनको कंपाइल कर लें,
चाहे वो खुद के हाथ से ना लिखे हो पर उनको एक ही जगह पे कंपाइल करे कि जैसे राजस्थान हिस्ट्री है तो उसका एक ही फोल्डर हो, वर्ल्ड हिस्ट्री का एक और इंडियन हिस्ट्री का एक, और अकॉर्डिंगली आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज करें कि वो क्वेश्चंस किन किन टॉपिक से ज़्यादा आ रखे हैं, किन किन से कम आ रखे हैं। जैसे राजस्थान हिस्ट्री एक बहुत ही लेंथी पोर्शन है, हम उसे बहुत ज़्यादा टाइम डेडिकेट कर देते हैं लेकिन उतना वेटेज नहीं है। तो मैं क्या करती थी कि मैं राजस्थान हिस्ट्री से पहले वर्ल्ड हिस्ट्री रिवाइज किया अच्छे से और इंडियन हिस्ट्री रिवाइज किया, क्योंकि उनका वेटेज मार्क्स का ज़्यादा आता है। फिर लास्ट में मेरे राजस्थान हिस्ट्री के जैसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जैसे मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री, उसको बहुत अच्छे से तैयार करती थी। जो एंशंट राजस्थान हिस्ट्री है उसका प्रीलिम्स में वेटेज ज़्यादा है और मेंस में इतना वेटेज नहीं है, तो उसका पूरा पूरा टाइम दे दो कि आप जो इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स मेंशनड है सिलेबस में आप उन्हीं को करने पे ध्यान दो। तो आप जब पेपर वन के पार्ट ए का जब सिलेबस कंप्लीट कर लिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, तो उसके बाद नेक्स्ट ये होना चाहिए कि उनके नोट्स कंपाइल्ड हो, उनको जो रिविजन्स हैं उनके मैक्सिमाइज करो। अगर आप लिमिटेड टाइम में रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपके जो नोट्स है वो फ्लॉड है, आपको दोबारा नोट्स बनाने की नीड है, इन द सेंस कि उनको आप शॉर्ट करो नोट्स को। फिर उनका प्रॉपर रिविजन करने के बाद जब आप पार्ट ए को अटेम्प्ट करोगे तो उनमें ये आप इन बातों का, जैसे मैंने इस बार ध्यान रखा कि 2 मार्कर है, 5 मार्कर है, 10 मार्कर क्वेश्चंस है, तो 2 मार्कर है उसको टू द पॉइंट आंसर किया, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसमें बिना मतलब की चीज़ लिख के आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर 5 मार्कर और 10 मार्कर के क्वेश्चंस में आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो तो इस बात का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे कि 5 मार्कर है, आप उसमें कोशिश करो कि जो क्वेश्चन है उसको कितने सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, मैक्सिमम सब पार्ट्स बनाने की कोशिश करो, जो क्वेश्चन की डिमांड है हर डिमांड को अलग से एड्रेस करो, और उसमें कोई फ्लो चार्ट है या कोई डायग्राम है अगर नीड है। जैसे कई बार ये होता है कि हमें टाइम कम है और मुझे ज़्यादा सब पार्ट्स को कवर करना है, तो मैं उसको एक छोटा सा साइड में फ्लो चार्ट बना के और उसमें ज़्यादा सब पार्ट्स को कवर कर दूंगी। और ऐसे ही 10 मार्कर में आप, जैसे मैंने इस बार ये किया कि मैं जो क्वेश्चन के सब पार्ट्स हैं उनको सब पार्ट्स को मैक्सिमाइज करती थी। जैसे कि वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन आया तो आप उसको बहुत ही मल्टी डिमेंशनल आंसर बनाओ, सोशल, पॉलिटिकल, की इकोनॉमिक, कल्चरल, जितने डिमेंशन एक्सप्लोर कर सकते हो और उनके जितने सब पार्ट्स बना सकते हो उनको बनाओ, कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है तो उसे कम से कम मेहनत करनी पड़े आपके आंसर में, क्वेश्चन की डिमांड को ढूंढने में। तो जितना जल्दी वो सारे पॉइंट्स देख पाएंगे एग्जामिनर, उतना आपको मार्क्स लाने में इजी रहेगा। और मैंने इस बार एक ये चेंज किया कि जो सब पार्ट्स है, मैंने रेनॉल्ड्स का एक थिक किंग का पेन आता है वो यूज़ किया था, और अदरवाइज पूरे पेपर में पायलट V5 पेन यूज़ किया था। तो उससे क्या होता है कि जो रेनॉल्ड्स का अलग से जो पेन यूज़ किया उससे मेरी जो सब हेडिंग्स है वो पूरी अलग से हाईलाइट हो रही थी। तो ये एग्जामिनर को देख के समझ में आता है कि बच्चे ने क्वेश्चन को प्रॉपर एड्रेस किया है। जितना मिनिमम टाइम लगेगा आपके आंसर को चेक करने में उतना आपका आंसर बेटर होगा। तो ये हुआ हिस्ट्री का एनालिसिस। फिर जो पार्ट बी है इसमें इकोनॉमिक्स आता है। जो इकोनॉमिक्स का पेपर है वो बहुत स्कोरिंग पेपर हो सकता है क्योंकि उसमें इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के तो बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स है। आप सीधा सिलेबस देखें और सिलेबस में जैसे मेंशन दे के WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, आप इन टॉपिक्स को एक एक पेज के इनके शॉर्ट नोट्स बनाएं, उनको मल्टीपल रिविजन्स करें, तो वो आपके सारे वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस को एड्रेस कर देंगे। और जो इंडियन हिस्ट्री है वो जो इंडिया की इकोनॉमिक सर्वे आती है और जो स्टैटिक टॉपिक्स है वो किसी भी एक सोर्स से, जैसे आप कोई भी किसी भी कोचिंग की मैगजीन आती है या फिर जैसे UPSC कोचिंग्स है उनकी जो इकोनॉमिक्स की मैगजीन आती है आप उसे ले, उसमें जो कीवर्ड्स में टॉपिक्स है सिलेबस में उनको मैच करें और उस टॉपिक को एक ही जगह से करें। सोर्सेज को कभी भी मल्टीपल नहीं करें क्योंकि रिविजन इज द की टू सक्सेस। तो इसमें आप जितने सोर्सेज मल्टीपल करोगे उतना रिविजन कम हो पाएगा। तो इंडियन जो इकोनॉमिक्स है वो तो किसी एक मैगजीन से आप सप्लीमेंट करें, और जो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे है आप उसको डिटेल में पढ़ें, वो आपके इंडियन इकोनॉमिक्स के पूरे सिलेबस की नीड को कैटर कर देता है। और जो राजस्थान इकोनॉमिक्स है उसके लिए मैंने राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे को बहुत अच्छे से पढ़ा, और जो राजस्थान बजट है तो उससे लगभग इकोनॉमिक्स पूरा कवर हो गया था। और इकोनॉमिक्स में
आप जब तक क्वेश्चन को एनालिटिकली प्रेजेंट करोगे, जैसे आपका कोई भी आंसर है वो इफेक्टिव तब होता है कि आपने उस आंसर को एग्जाम्पल की हेल्प से सब्सटेंशिएट किया हो, तो वो आपका जो पॉइंट है, आप जो पॉइंट बताना चाहते हो वो और ज़्यादा से अच्छे से दिखता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग दिखती है उस सब्जेक्ट के लिए। तो आप इकोनॉमिक्स में जितने ज़्यादा करंट अफेयर के एग्जाम्पल्स है, या जैसे इन्फ्लेशन का कोई क्वेश्चन है तो आप समझा पा रहे हो इन्फ्लेशन को विद शॉर्ट एग्जाम्पल, और कोई फ्लो चार्ट है तो वो आपके मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकता है। फिर पेपर वन का जो पार्ट सी है उसमें 3 शॉर्ट सब्जेक्ट्स है, मतलब 20 मार्क्स ईच। तो पहला सोशियोलॉजी, फिर अकाउंटिंग ऑडिटिंग, फिर मैनेजमेंट। तो इनमें क्या होता है कि इनके जो टॉपिक्स है कि उनको एनसीईआरटी आरबीएसई बुक से फिल्टर करना मुश्किल हो जाता है, तो इनके लिए मैंने क्या किया था, इनके लिए किसी टेक्स्ट बुक को रेफर नहीं किया था, किसी भी एक कोचिंग सेंटर के जिसका कॉन्टेंट आपको कि ईजी लगे अंडरस्टैंड करने में आप उसको उठा लीजिए। फिर उसमें आप देखिए कि सिलेबस के सारे टॉपिक्स आपको उसमें मिल रहे हैं कि, और उनको अच्छे से थरली कर लीजिए। ये बहुत ही स्कोरिंग पोर्शन होता है, तो आप इसे जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको रिवॉर्डिंग होगा, क्योंकि 2 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं और स्ट्रेट अवे आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको आंसर करना भी इजी है। और फिर आप इसमें ये कर सकते हैं कि आपने एक किसी भी कोचिंग के सोर्स से इनको उठा के फिर जो आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, जैसे मैंने सम्यक की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो मैंने उनके जो पोर्शंस होते हैं, जैसे 20 पेपर्स हैं, तो मैंने हर पेपर में से जो अकाउंटिंग ऑडिटिंग का पोर्शन है उसको अलग कर लिया और पूरा साथ में स्टेपल कर लिया। तो मेरे 2 गो टू सोर्स हो गए इन छोटे छोटे सब्जेक्ट्स के लिए, कि एक तो जो मेरे नोट्स है, और दूसरा मैंने जैसे सोशियोलॉजी है तो उसको जितने टेस्ट हुए हैं उन सोशो के पेपर्स को सबको एक साथ स्टेपल कर लिया। तो उन नोट्स के अलावा और कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर बचता है या जो कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो सब मुझे समझ आ गया टेस्ट सीरीज से, तो वो ऐसे करके आप उसको बहुत इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं पूरे 20 मार्क्स के पोर्शन को। और ऐसे ही मैनेजमेंट के लिए और सिमिलरली अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के लिए, ज़्यादा सोर्सेस से मतलब नहीं है, आप एक जो कोचिंग का सोर्स है उसको किसी एक टेस्ट सीरीज से कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए। तो मुझे ये बहुत हेल्प हुई कि जो इन छोटे पोर्शंस में है कि अभी तक मार्क्स आए नहीं है, पर मुझे लगता है कि इन्होंने मेरे स्कोर्स को इम्प्रूव किया है। फिर जो पेपर 2 है ये बहुत ही स्कोरिंग पेपर होता है, जैसे लास्ट टाइम मेरे इसमें 100 आए थे और इस बार 89 आए हैं। तो इस पेपर में जो एथिक्स का पोर्शन है, फिर साइंस और फिर ज्योग्राफी। तो एथिक्स है, मैंने धर्मेंद्र सर के नोट्स को रेफर किया था, उनमें आपने एक बार वही, मैं ये कहूँगी कि आप जो सिलेबस है सिलेबस में कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आरपीएससी क्या करता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, सीधे सिलेबस के पॉइंट को उठा के और उसी को क्वेश्चन बना के एग्ज़ाम में देता है। तो आप ये कि सिलेबस का कोई भी पॉइंट मिस ना हो, तो सिलेबस के सारे कीवर्ड्स को देखते हुए किन्हीं भी एक नोट्स को रेफर कीजिए, जैसे एनसीईआरटी या फिर आरबीएससी बुक्स में नहीं मिलेगा आपको ये सब्जेक्ट। और फिर उसमें आप देखिए आप अपने कोई एग्जाम्पल्स और ऐड कर सकते हैं क्या। और इसमें मैंने जो मेरे सम्यक की टेस्ट सीरीज थी उसको बहुत हेल्प किया था कि उसको बहुत यूज़ किया था, इन द सेंस कि मैंने एथिक्स में जितने पॉसिबल क्वेश्चंस पूछ रखे थे कि अगेन उन सारे पेपर्स को अलग से कंपाइल किया। मैं क्या करती थी कि वो जो जैसे टेस्ट है तो उसमें 3 पोर्शन पूछे हैं कि एथिक्स पूछा है, साइंस पूछा है, ज्योग्राफी पूछा है, तो मैं सारे पेपर्स में से एथिक्स अलग कर लेती थी, ज्योग्राफी अलग, साइंस अलग, और उन सबको एक साथ कंपाइल करके और जो मेरे बेसिक नोट्स होते थे उनमें मैं इन टेस्ट सीरीज को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ करती थी। और सिमिलरली साइंस का पेपर है, ये बहुत ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो इसमें आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। और साइंस के लिए मेरा सिंगल गो टू सोर्स था एनसीईआरटी एंड आरबीएससी बुक्स टॉपिक वाइज, और साथ में टेस्ट सीरीज हो ही गई। फिर ज्योग्राफी है, इसमें अगेन आरबीएससी और एनसीईआरटी बुक्स है, वो पूरे सिलेबस को सफिशेंटली कवर करते हैं। और इनमें आप क्या कीजिए, साइंस और ज्योग्राफी ये बहुत एनालिटिकल सब्जेक्ट्स है, तो आप इसमें जो टॉपिक जो क्वेश्चन में पूछा है उसको जितना इफेक्टिवली आप के प्रेजेंट करोगे उतना ही आपका आंसर सही लगेगा। जैसे कि ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन है तो उसको पूरी कोशिश कीजिए कि स्टेप बाई स्टेप कोई फ्लो चार्ट से कि आंसर को समझाए, सबसे ज़्यादा कितने कि आप सब 5 में ब्रेक कर सकते हैं,
या फिर आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन में जैसे राजस्थान के रिवर सिस्टम अगर पूछ लिया जाए तो आप रिवर सिस्टम को पूरा पहले उसको डायग्राम से कैसे समझाएंगे और फिर उसे नीचे की डिटेल में एक्सप्लेन करें, क्योंकि पूरा ज्योग्राफी आप जितना डायग्राम और मैपिंग से बताएंगे कि उतना ही आपका आंसर बेटर होगा। और अगेन मैंने पेपर टू में भी दो पेन का यूज़ किया था, सब पार्ट्स के लिए अलग पेन, और जो नॉर्मल में पूरी आंसर राइटिंग है उसके लिए पायलट B5 पेन यूज़ किया था। और जो एक्रोनिम्स का रोल है वो मैंने एथिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि ऐसे होते कोई टॉपिक है उसमें मुझे सारे डिमेंशंस को याद रखने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मैं हर चीज़ का, जैसे हर टॉपिक का कोई ना कोई एक्रोनिम बना लेती थी। जैसे कोई गवर्नेंस का या सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आएगा एथिक्स में, जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं कि सिविल सर्वेंट कैसे होना चाहिए, तो जो वैल्यू सिस्टम है उसमें 8-9 वैल्यूज़ है, तो उसका आप कोई अपना एक्रोनिम प्रिपेयर कर लीजिए कि आप उन वैल्यूज़ को भूलो नहीं। तो ये पेपर टू आप इफेक्टिवली ऐसे डील कर सकते हैं, और पेपर टू बहुत ही स्कोरिंग पेपर है तो आप पेपर टू पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। पेपर थ्री में मेरे लास्ट टाइम 80 मार्क्स थे और इस बार 108 मार्क्स है, तो मुझे इसमें ये जो मेरे मार्क्स में लगभग 28 मार्क्स का शिफ्ट देखने को मिला है, ये मैं एट्रीब्यूट करती हूँ जो 60 मार्क्स का पोर्शन है योगा, स्पोर्ट्स, फिर बिहेवियर और लॉ, इन पोर्शंस को मैंने इस बार जो डेफिनेशंस और है बहुत तरीके से इनको मैंने प्रिपेयर किया था कि अलग से इनके मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे सिलेबस के टॉपिक वाइज, और उन नोट्स के लिए मैंने कोचिंग के नोट्स को रेफर किया था। और इनमें जो आंसर्स है, मेरी ये कोशिश थी कि जो डेफिनेशन है मैं एज इट इज़, जैसे लॉ का कोई टॉपिक है तो उसमें एज इट इज़ डेफिनेशन को मैं यूज़ करूं, और जो आंसर्स है उनको टू द पॉइंट की, जैसे जो टू मार्कर्स है उनमें मैं वर्ड लिमिट तक ही आंसर्स लिखती थी कि मेरा फालतू में टाइम वेस्ट ना हो, और जो 5 मार्कर्स और 10 मार्कर्स है उनके लिए मैं टाइम डेडिकेट कर पाऊँ। और जो तीनों पोर्शंस हैं मैं उनको एक एक घंटा ही टाइम डेडिकेट करती थी, जैसे आप जो रूम में वॉच होती है उसको देख रहे हो कि एक घंटे में 5 मिनट बाकी है और आपके 2 क्वेश्चन बाकी है, तो मैं वो 5 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट करती थी कि अगले पेपर के लिए मेरे लिए एग्जैक्ट 1 घंटा ही बाकी रहे। तो जो पार्ट्स ही है छोटे सब्जेक्ट्स का, इसने शायद मुझे इस बार बहुत हेल्प किया है। फिर जो पार्ट ए है पॉलिटी और करंट अफेयर्स का, तो इसमें पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत बुक है उसे यूज़ कर लीजिए, और इसमें आप करंट अफेयर्स को अच्छे से एसोसिएट कीजिए, इसमें करंट अफेयर्स का अलग से पोर्शन भी आता है, और जो पॉलिटी के आंसर्स भी 5 मार्कर्स और 10 मार्कर्स, इनमें आप करंट अफेयर्स के अगर एग्जांपल्स दे पाओगे और क्वेश्चन को करंट अफेयर्स की हेल्प से समझा पाओगे तो वो शायद हमारे आंसर को और अच्छा बनाएगा। जो पार्ट बी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो सिलेबस है उस सिलेबस को एज इट इज़ प्रिपेयर कर लिया, इसके लिए मैंने अगेन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई NCERT RBSE बुक नहीं यूज़ की थी, एक कोचिंग के नोट्स उठाए जो मुझे अच्छे लगे और टॉपिक वाइज मैंने उनको पढ़ा, और फिर उनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने ये कोशिश की थी कि जो आंसर का फ्लो है वो मेंटेन रहे, कि जैसे कोई लेमैन लैंग्वेज में कोई आंसर पढ़ता है उसे समझ आ जाए, तो वैसे मेरी कोशिश रही थी कि मेरे आंसर्स है वो इतने ज़्यादा ऑर्डर में हो और इतना ज़्यादा उनका बैकग्राउंड और फॉरवर्ड लिंकेज हो कि अगर किसी को क्वेश्चन भी नहीं पता है ना तो फिर भी उसको आंसर देख के क्वेश्चन समझ आ जाए कि क्या पूछा गया था। तो सारे 10 मार्कर्स में मेरी ये कोशिश रही थी कि मैं अपने आंसर्स को ऐसे लिखूं कि आंसर को देख के क्वेश्चन समझ में आ जाए कि क्या पूछा गया था। तो इसलिए आप हमेशा जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको देखते हुए ही आंसर का पूरा जो फ्लो है वो प्रिपेयर करें। और अगेन इस मैंने पूरा पेपर थ्री में भी 2 पेन यूज़ किए थे, मेरी सब हेडिंग्स को मैंने मैक्सिमाइज़ किया था। और जो पार्ट CS पे मेरा इस बार स्पेशल फोकस था, और मुझे लगता है उसी पार्ट सी ने और ही मेरे मार्क्स में ये सिग्निफिकेंट जंप मुझे देखने को मिला है। मैं पेपर 1, 2 और 3 के लिए एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि आप उसमें सिलेबस के जितने टॉपिक्स हैं उन सबको कवर करें। आपको अगर टाइम कम है तो आप टॉपिक को शॉर्ट में कवर कर लीजिए, और टाइम है तो डिटेल में कवर कर लीजिए। जैसे अभी 2 महीनों को देखते हुए कि अगर किसी के पास टाइम शॉर्ट पड़ रहा है या फिर अपने शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आप उस टॉपिक को देखें ज़रूर, क्योंकि RPSC में अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में आपने थोड़ी भी नॉलेज ले रखी है तो वो आपको पेपर को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। कभी किसी क्वेश्चन को पेपर में बिना अटेम्प्ट करे नहीं छोड़े।
आपको जो भी उस क्वेश्चन के बारे में रेलिवेंट पता है वो ज़रूर लिखें। और सिलेबस में जैसे कोई एक्ट है तो ये नहीं है कि आप उसको पूरे तरीके से छोड़ दें, टाइम कम है तो एक्ट की आप किसी एक शीट में जो ज़रूरी 5-7 लाइनें हैं वो लिख लें और उन्हीं को याद कर लें, क्योंकि जैसे कि वो एक्ट है वो 2 मार्कर में पूछा जा सकता है, 5 मार्कर में, 10 मार्कर में, तो आपको चाहे कम नॉलेज है उसके बारे में, हो सकता है वो आपके 2 मार्कर या 5 मार्कर में पूछा जाए और आपका उसी नॉलेज से काम चल जाए। तो ये पूरी कोशिश कीजिए कि आप हर सिलेबस के कीवर्ड को देखें, ज़रूर डिटेल में नहीं तो चाहे शॉर्ट में ही देखें, और पूरा सिलेबस का आपके पास एक 1 go-to source होना चाहिए कि मैंने ये कीवर्ड है तो इसका मेरे पास ये कंटेंट है, और एक ही जगह कंटेंट हो। आपको 2 या 3 जगह के नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप उन्हें कंपाइल करके एक ही शीट पे कर ले, पर नोट्स आपके होने एक ही जगह पर चाहिए। और एक मैं आंसर राइटिंग में एक ऐड करना चाहूँगी, जो पेपर 1, 2, 3 है, जैसे पेपर 3 का अगर मैं पॉलिटी का एग्जाम्पल दूँ तो पॉलिटी में मैं GPSC ये मैं एक्रोनिम अपने दिमाग में रखती थी कि वो पेपर में आएगा कोई भी पॉलिटी का क्वेश्चन तो मैं उसमें ये इंश्योर करूँगी लाइक जी इस पर कोई भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव है या कोई भी गवर्नमेंट अनाउंसमेंट है या कोई गवर्नमेंट स्कीम है उस चीज़ को लेके, तो कि मैं उसे इनकलकेट करूँगी अपने आंसर में। फिर पी है, पी में था कि पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास हुआ है या कोई बिल आया है तो मैं उसे मेंशन करूँगी। फिर एस है सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट उस रिलेशन में आया है तो उसे मेंशन करना है। और सी है कोई भी कमेटी के अगर सजेशंस हैं, तो ऐसे ही आप हर टॉपिक के लिए कोई ना कोई एक्रोनिम तैयार करें। जैसे इकोनॉमिक्स है तो उसके लिए भी आप कोई एक्रोनिम तैयार कर सकते हैं, जैसे आप सारी डिमेंशंस को कवर करेंगे इको में। प्लस में कोई भी आंसर था मैं उसे एक तो वर्टिकली एड्रेस करती थी और एक हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली एड्रेस में तो ये हो गया कि आपने कोई कोई जैसे GPSC एक्रोनिम है और आपने इसको पूरा एक्सपांड कर दिया। और वर्टिकल में मैं हमेशा उसको स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, फिर वर्ल्ड लेवल पे, किन तीनों डिमेंशंस को ध्यान रखती थी, किन तीनों के रिस्पेक्ट में अगर मैं क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करते हुए तीनों स्टेजेस पे अपने आंसर को कैसे एड्रेस कर सकती हूँ। फिर आता है पेपर 4। मुझे लगता है कि पेपर 4 इज़ द रीज़न फॉर रैंक इन RAS एग्ज़ाम, तो पेपर 4 पे तो बहुत ज़्यादा स्पेशल फोकस होना चाहिए। मेरा पेपर 4 है, लास्ट टाइम मैंने 110 स्कोर किया था और इस बार मैंने उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की थी। तो पेपर 4 में जो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है वो है हिंदी का ग्रामर पोर्शन और इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन, क्योंकि उसमें आपने जो सही लिखा है उसके एज इट इज़ मार्क्स है। और ये लैंग्वेज है तो विद प्रैक्टिस ये बहुत अच्छे से हो सकता है, पर जैसे कि अब टाइम क्रंच को देखते हुए, जैसे 1.5-2 महीने जो भी बाकी है मेंस के एग्ज़ाम में, उनको देखते हुए आप कैसे एड्रेस करें। तो मैंने क्या किया था कि जैसे हिंदी ग्रामर है तो उसके लिए मैंने राघव प्रकाश बुक है उसको देखा, और जो हिंदी की 9th-10th की जो बुक है NCERT उसमें मैंने अपने सारे उनको 6-7 पेजेस में जो इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको लिख लिया था। इन दोनों सोर्सेज को मल्टीपल टाइम रिवाइज करने के बाद फिर भी कुछ ना कुछ तो कि आप भूल ही जाते हो, तो मैं जो टेस्ट सीरीज, जैसे इसके लिए मैंने दो टेस्ट सीरीज ली, एक सम्यक की और एक स्प्रिंग बोर्ड की, और उनका जितना हिंदी ग्रामर के, जैसे हर पेपर के लास्ट में 2-3 पेज के हिंदी ग्रामर के आते हैं, तो मैंने उन सबको हटा के एक साथ कंपाइल कर लिया और फिर मैं उन पेपर्स को अटेम्प्ट करती थी। उसमें मेरा रिवीजन भी हो जाता था, जो मुझे याद नहीं आ रहा है वो दोबारा रिवाइज कर लेती थी, उसको अंडरलाइन कर लेती थी, और अगर कुछ छूट भी गए इंपॉर्टेंट कोई जैसे विलोम शब्द है या प्रायवाच्य शब्द है तो वो वहाँ से कवर भी हो जाते थे। तो मैंने राघव प्रकाश और 9th-10th की NCERT बुक के अलावा इन दोनों टेस्ट सीरीज के सारे जो हिंदी ग्रामर पोर्शंस है उनको भी एज मेरे नोट से काम लिया था, कि उनको भी मैंने बार बार रिवाइज किया था। तो आप हिंदी ग्रामर जो 50 मार्क्स की है उसको जितनी ज़्यादा बार रिवाइज करेंगे उतने ही आपके स्कोर को मैक्सिमाइज करेगी, और ये आपके खुद के मार्क्स हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने लिखा है और सब्जेक्टिव चेकिंग है, नहीं। तो आप हिंदी ग्रामर का जो 50 मार्क्स का पोर्शन है उसको अब इफेक्टिवली याद करने का तरीका यही है, जैसे आपने उनको पढ़ा घर में, कोई भी भाई बहन है उन्हें कहा जाए कि वो आपको एक दिन में 2-4 बार विलोम शब्द पूछे, अगले दिन प्रायवाचक शब्द पूछे, यूँ करके जो
10 टॉपिक्स है ग्रामर के, उनको आप जितना रिविजन मैक्सिमाइज कर पाए, और इन दो कोचिंग टेस्ट सीरीज के जो बैक पोर्शंस होते हैं हिंदी ग्रामर के वो ले और उन्हें भी मल्टीपल रिविजन्स करें, क्योंकि टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है, जितने आरपीएससी के दूसरे एग्जाम्स होते हैं उनमें जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होते हैं वो ये सारे टेस्ट सीरीज में कवर हो जाते हैं। और हिंदी ग्रामर के पोर्शन को जब आप याद कर रहे हैं तो हमेशा उसको लिख के याद करें कि जब आप शब्द लिख रहे हैं तो इसमें किसी भी तरह की अशुद्धि नहीं रहे, वरना आपको लगेगा आपको शब्द याद है लेकिन वहाँ मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर शब्द आपने शुद्ध तरीके से नहीं लिखा है, तो उसे लिख लिख के ही याद करें। और पूरे पेपर फोर के लिए आप दो टेस्ट सीरीज का यूज़ करें, पेपर वन टू थ्री अच्छा सिंगल टेस्ट सीरीज से काम चल जाएगा लेकिन पेपर फोर में दो टेस्ट सीरीज को यूज़ करेंगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सेकेंडली, आप जो पेपर फोर में जैसे हिंदी है उसका कंपोजिशन है, कोई चाहे कि मैं एक दिन में सारे पत्र के फॉर्मेट याद कर लूँ या फिर जो निबंध है वो लिखना सीख लूँ, नहीं, ये लैंग्वेज है तो इसका ईजी तरीका ये है कि आप आज जिस भी लेवल पर है आप उससे लिखना शुरू कीजिए, लाइक मेक इट अ टाइम टेबल कि मैं रोज का टिल द एग्जाम डे मैं रोज का एक पत्र लिखूंगा, एक निबंध लिखूंगा और एक भी कोई लैबोरेशन लिखूंगा और एक ट्रांसलेशन करूंगा। तो आप विदाउट पुटिंग स्ट्रेस ऑन द क्वालिटी ऑफ योर आंसर आप रोज उसे प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने पीयर ग्रुप में या कोचिंग से कहीं से भी उसे चेक करवा लीजिए, तो आप हर दिन अपनी गलतियों को देखेंगे तो बाय 30th डे और बाय 60th डे वो आपका अप टू द मार्क तैयार हो जाएगा अपने आप, तो कि आपको इस पे बिना मतलब की टेंशन नहीं लेनी है, बस इसे रोज लिखना है। सिमिलरली अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में जो इंग्लिश ग्रामर है तो उसको तो पहले आप समझिए, फिर याद कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। बीके रस्तों की बुक है उसको मैंने रेफर किया था, एंड अगेन सम्यक टेस्ट सीरीज और स्प्रिंग बोर्ड की टेस्ट सीरीज दोनों को मैंने फिर से इंग्लिश ग्रामर को प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ किया था, और इंग्लिश में भी आप उन वर्ड्स को लिखें कि जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स है वो ना रहे, क्योंकि स्पेलिंग चेंज होते ही वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। और इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन पोर्शन है उसको एज सच आप देख के प्रिपेयर नहीं कर सकते, उसके लिए तरीका ये सही है कि आप रोज के जो 10 सेंटेंसेस है वो ट्रांसलेट करें। और सिमिलरली मैं कहूँगी जो कंपोजिशन प्रोसेस है उसके जो कंपोजिशन का पार्ट है उसके लिए भी आप रोज एक लेटर राइटिंग करें, रोज एक रिपोर्ट राइटिंग करें, रोज एक एलैबोरेशन करें और रोज एक ट्रांसलेशन करें। तो ये लैंग्वेज में आप रोज एक एक पार्ट कीजिए तो इट वुड हार्डली टेक यू लाइक हाफ एन आवर फॉर इंग्लिश एंड हाफ एन आवर फॉर हिंदी। सो इफ यू डेडिकेट 1 hour टू हिंदी एंड इंग्लिश कंपोजिशन पोर्शन आफ्टर 30 days आपका ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा विदाउट पुटिंग एनी लाइक एक्स्ट्रा सॉर्ट ऑफ एफर्ट। और इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे पेपर 3 में जो करंट अफेयर्स का पोर्शन आता है आप उसको पढ़ते हैं, तो आप उसको हिंदी न्यूज़पेपर से भी पढ़िए और कुछ पोर्शन है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर से भी पढ़िए, और उनमें जो स्पेलिंग्स है, जो अच्छे वर्ड्स है, जो अच्छे कोट्स है, आप उनको पेपर 4 के हिसाब से एक अलग से उनके नोट्स बना लीजिए कि भाई मुझे ये सब पेपर 4 में यूज़ करना है, तो आपके पेपर 3 के करंट अफेयर्स भी तैयार हो जाएंगे और पेपर 4 के लिए अलग से आपका जो गुड से जो वर्ड्स चाहिए होता है वो भी तैयार हो जाएगा। और लैंग्वेज पेपर ये काफ़ी छूटने के चांसेस रहते हैं, तो इसका तरीका ये है कि अगेन मैंने 2 पेन यूज़ किए जो भी सब हेडिंग्स है, और उनको रेनॉल्ड का जो कुछ बॉल पॉइंट पेन आता है उसकी थिक निब आती है उसको यूज़ किया, तो मैंने पहले जैसे एलैबोरेशन है तो उसके 5 सब हेडिंग मैंने पहले ही डाल ली थी और फिर मैंने उनको फिल इन किया, तो उससे पेपर जो अटेम्प्ट करने में टाइम चाहिए होता है वो मेरा काफ़ी कम हो गया था, तो मेरा कोई भी पेपर छूटा नहीं था क्योंकि मैं टाइम को वॉच करती थी कि 1 hour में इतना पोर्शन करना है, अगर नहीं हो रहा है तो उसको फास्ट कंप्लीट करके करना है, पर मैं अगले पार्ट का टाइम इस पोर्शन में नहीं दूंगी, तो आपके 4 पेपर छूटे ना ये आप स्पेशली ध्यान रखें। और जिस दिन आप मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस दिन अगर आप सोचें कि मैं पूरी रात जग लूँ और रिवाइज कर लूँ, दैट डजेंट हेल्प इन एनी मैनर, डिपेंड ये करेगा कि आपने उस दिन कितनी अच्छे से नींद ली है, कितना आप हाइड्रेटेड है, कितना प्रॉपर आप एग्ज़ाम सेंटर कितने काम माइंड के साथ पहुँच रहे हैं, तो रात को जल्दी सोए, सुबह पूरी 8-7 hours जो भी आपका कंफर्टेबल आवर्स ऑफ स्लीप है उनको कंप्लीट करके फिर ही पेपर देने जाए, जो एडमिट कार्ड फोटो और ये सब 2 दिन पहले डबल चेक कर
चले कि इन मोमेंट में आपको ये फालतू की एंग्जाइटीज ना हो, और पेपर जब आप वन अटेम्प्ट कर रहे हैं और फिर पेपर टू है, बीच में 2 आवर्स मिलते हैं, पेपर वन से सुबह के जो 2 घंटे हैं उनमें आप जो 60 मार्क के जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स होते हैं आप उनको रिवाइज करें, या फिर हिंदी इंग्लिश के पेपर से जो पहले 2 घंटे उनमें जो ग्रामर के पोर्शन है जो आप बार बार भूलते हैं उनको हाईलाइट करके रखें और सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करें, और जो शॉर्ट नोट्स बना रखें उनको रिवाइज करें। ये कोशिश ना करें कि मैं पूरा सिलेबस दोबारा रिवाइज कर लूँ और अगर मैंने नहीं किया है तो मैं कुछ मेजर मिस कर रहा हूँ, नहीं। और आप जब पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बहुत शांति से सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर पढ़ें। कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन कुछ पढ़ रहे हैं आंसर कुछ कर रहे हैं, तो आप पूरे क्वेश्चंस को कि हर क्वेश्चन को कि उसको प्रॉपर टाइम दे के पढ़ा जाए और फिर अकॉर्डिंगली उसको सब पार्ट्स में दिमाग में प्लान किया जाए, उसमें कौन से एक्रोनिम्स को यूज़ किया जा सकता है, कौन से करंट अफेयर को यूज़ किया जा सकता है, कौन सा एग्जाम्पल यूज़ किया जा सकता है, ये सब एक मेंटल नोट बना लें। Like this would take hardly 30 seconds to make a mental note for all 3 parts. तो वो mental note को फिर वो answer में implement करे कि okay मैंने mental note में ये 4 points लिखे थे तो इन इनको मैं answer कर रहा हूँ, और खुद को hydrated रखे। जैसे मेरा home town बीकानेर है तो वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, मार्च में exam था तब भी बहुत गर्मी थी, तो मैं ये स्पेशली ध्यान रखती थी कि चाहे रिवीजन में थोड़ा कम टाइम मिल जाए पर मैं खाना प्रॉपर खाऊं और पानी जो एग्ज़ाम के बीच में 2 घंटे उनमें मैं प्रॉपर खुद को हाइड्रेट करूं। उससे क्या होता है आपका जो मेंटल ऑक्सीजन लेवल है वो सही रहता है, तो आप में तो आपके पेपर में जो अटेंटिवनेस है वो कि ऑप्टिमाइज रहती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप जो 1.5-2 महीने हैं उनमें आप सब्जेक्ट्स को सिलेबस को देखते हुए प्रॉपर प्रिपेयर करें, सोर्सेस को मल्टीपल ना करें, और जो टेस्ट सीरीज है उनका पूरा यूज ले। मुझे ये लगता है कि मेरा स्कोर अच्छा आने में टेस्ट सीरीज की बहुत अच्छी हेल्प रही है, और जो बच्चे मेंस का पेपर दे रहे हैं वो इंटरव्यू के मार्क्स की चिंता ना करें। जैसे मेरे इंटरव्यू में सिर्फ 56 मार्क्स है, आप मेंस की मेहनत पे आप रैंक ला सकते हैं, और बस इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए आप प्रिपेयर करें और अच्छे से एग्जाम्स दें। थैंक यू।